दोस्तों हम सभी लोग स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन क्या आपका स्मार्टफोन रियली स्मार्ट है? क्योंकि फोन तभी स्मार्ट होगा जब उसके ऊपर कुछ अच्छे स्मार्ट ऐप्स है। आज के वीडियो में 5 ऐसे ऐप्स बताऊंगा जो आपके स्मार्टफोन को और भी ज्यादा स्मार्ट कर देगा। आप देखते रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, और हमारे गिव अवे को सिर्फ 1 दिन बाकी है तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में सबसे पहला ऐप है हेल्थ रिलेटेड। जी हाँ, क्या आपका स्मार्टफोन आपके हार्ट बीट्स काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने इंस्टेंट हार्ट रेट ऐप डाला तो वो कर सकेगा। मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे। जब भी मुझे ऐसे लगता है यार मेरा हार्ट थोड़ा ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट कर रहा है तो मैं ये ऐप इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं आपका हार्ट बीट क्या है और इसकी एक्यूरेसी नियर परफेक्ट है। तो ऐप का नाम है इंस्टेंट हार्ट रेट ऐप। तो ये देखिए, मैं अभी खोलता हूँ इंस्टेंट हार्ट रेट। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपका जो पीछे का लाइट होगा वो चालू हो जाएगा। आपको सिर्फ कैमरे के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर रखना है, ये देखिए, और वो काउंट करने लग जाएगा। एक 10 सेकंड तक काउंट करेगा वो, और फिर आपको बताएगा। जी हाँ, एड्स हैं। 67 BPM, इसका मतलब 67 हार्ट्स और बीट्स पर मिनट, हार्ट बीट्स पर मिनट। तो मेरा जो है वो है 67। आप हमें बताइए ये ऐप इंस्टॉल करके आपका क्या है। दोस्तों इस ऐप का एक प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कोई ज़रूरत है। आपको सिंपली आपका हार्ट बीट चेक करना है तो ये इंस्टेंट हार्ट बीट जो ऐप है वो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों लिस्ट में जो दूसरा ऐप है वो है टेक्स्ट स्टैट्स। इसका मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा SMS भेज रहे हैं या बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये जो ऐप है आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आप कितने वर्ड्स को एवरेज यूज़ करते हैं SMS के लिए, कितने SMS भेजते हैं, कौन से दिन पे भेजते हैं। एकदम सुंदर से ग्राफिकल यूज़र फॉर्मेट में वो बताएगा ये ऐप। चलिए खोलते हैं। ये देखिए पाई चार्ट आ गया है। इसमें पहले सबसे पहले वो बता रहा है कि मैंने इज ये वर्ड 13% इस्तेमाल किया है, योर 13.5, फॉर 12.4। ये है सब रिसीव्ड मैसेजेस, ठीक है। वर्ड्स पर मैसेज रिसीव्ड जो होते हैं वो 23 वर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर्स 4.9। डे ऑफ द वीक, संडे सबसे ज़्यादा SMS वाला दिन जब मैं ज़्यादा रिसीव करता हूँ। कितने SMS एट एन एवरेज पर दिन आते हैं, तो संडे सबसे ज़्यादा और ट्यूसडे सबसे कम। आर ऑफ द डे, किसने भेजे हैं सबसे ज़्यादा मैसेजेस। सेंट का भी, सेंट मैसेजेस के लिए भी वो एग्जैक्टली सेम बताता है। तो ओवरऑल ये जो ऐप है, अगर आप ज़्यादा SMS इस्तेमाल करते हैं और आपको जानना है कि भाई मैं कब ज़्यादा SMS यूज़ करता हूँ, किसको भेजता हूँ, क्या भेजता हूँ, कौन से घंटे को भेजता हूँ, वो सब इस ऐप से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों तीसरा जो ऐप है वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त सोता हूँ और सुबह उठने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। अलार्मी नाम का जो ऐप है वो इंश्योर करता है कि मैं बेड से बाहर निकलूँ। एक बार अलार्मी बज गया तो मुझे उठना ही पड़ता है, वापस मैं सो नहीं सकता हूँ, स्नूज नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं, उठना ही पड़ता है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहिए तो फ़ोटो निकाल के फिर अलार्म बंद कर सकते हैं, या फिर आप 2 चक्कर मारिए फिर अलार्म बंद कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल अलार्म भी बंद कर सकते हैं शेक करके। तो ये जो ऐप है अलार्मी बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं, अभी मैं ये अलार्मी ऐप है, मैं अभी एक नया अलार्म सेट करता हूँ। चलिए सेट करता हूँ 7:02 का, मुझे रिपीट नहीं चाहिए, ओके। लेकिन इसमें जब मैं सेट करता हूँ तो आपको दिखता है अलार्म ऑफ मेथड। इसका मतलब आप अलार्म ऑफ कैसे करेंगे। डिफ़ॉल्ट तो सिर्फ आप टच कीजिए वो बंद हो जाएगा। उसके बाद में एक ऑप्शन है टेक अ पिक्चर, तो आपको पिक्चर लेके सेव करना पड़ेगा, उसी के बाद में आप ओपन कर सकेंगे। तीसरा है शेक करके बंद कर सकेंगे, तो ये तीसरा शेक के लिए है। चौथा है मैथ्स प्रॉब्लम, मैं बहुत ज़्यादा दिन तक ये इस्तेमाल करता था, सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम यूज़ करना है। ये देखिए अभी मैं मैथ्स प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। आप रख सकते हैं इजी हार्ड, इजी हार्ड होगा 3+8, 2+4 वगैरह, थोड़ा
अगर आप डिफिकल्ट करते हैं तो 23+70। क्या होता है जब आप नींद से जागते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा काम नहीं करता है। मैथ्स का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और आप इमीडिएटली जग जाएंगे। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैथ्स का जो है वो अलार्म टर्न ऑफ करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। दोस्तों एक बात बोलता हूँ मैं, अलार्मी ऐप सबसे बेस्ट अलार्म ऐप है। आप कौन सा भी दूसरा अलार्म ऐप ट्राई कीजिए लेकिन अलार्मी जरूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। दोस्तों चौथा ऐप है मैजिक पिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये सब ऐप्स के, ये एंड्रॉइड ऐप्स है, सब ऐप्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर कोई भी आपको अच्छा लगता है तो आप जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैजिक पिन क्या करता है। बेसिकली अगर आप बाहर जाके ज़्यादा खाना खाते हो तो मैजिक पिन आपने इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कैशबैक्स और कूपन्स मिल सकते हैं। मेरे दोस्तों ने ये इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम्हारे ऐप वाले वीडियो में ज़रूर लोगों को बताइएगा या व्यूअर्स को बताइएगा, इसलिए मैंने ये ऐप दिया हुआ है मैजिक पिन। ये बेसिकली जब आप खोलेंगे तो जो भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये देखिए क्लेम डील दोस्तों, वो जो GPS के हिसाब से जिधर भी आप बैठे हैं, कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं, उधर के आजू बाजू के सब रेस्टोरेंट्स और होटल लिस्ट करेगा और फिर आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेल्फी क्लिक करनी है, जो बिल होगा उसका फोटो लेके अपलोड करना पड़ेगा और कम से कम आपको 30% कैशबैक मिलेगा। तो ये जो ऐप है बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए, आपको एक सिर्फ आपका जो बिल है उसका फोटो निकालना है और आपका सेल्फी निकालना है और आप कैशबैक जीत सकते हैं। और उस कैशबैक से आप पेटीएम का कैशबैक होगा वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे खरीदी कर सकते हैं और बहुत सारे कूपन्स और डील्स भी मिलते हैं आपको। तो ये मैजिक पिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप बहुत सारे पैसे बचा सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको विंडोज़ वाला फील आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चाहिए तो लीना लॉन्चर ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। ये एक लॉन्चर है जो आपका होम स्क्रीन है वो एक विंडोज़ के जैसे बना देगा। जी हाँ, अभी मैंने लीना लॉन्चर ओपन कर दिया है। ये देखिए इसका जो डेस्कटॉप है आपको इधर दिखेगा, ये सब जैसे आपके मैकिंटॉश के अंदर होता है वैसे ही, अभी इधर बहुत ही छोटा है। बेसिकली ये आप कास्ट कर सकते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर, मतलब टीवी के ऊपर या आपका बड़ा स्क्रीन जो होगा उसके ऊपर। अभी आप फोल्डर ओपन कीजिए तो आपको विंडोज़ का जो फोल्डर होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए अभी ये जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत छोटी होती है और विंडोज़ इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड छोटे स्क्रीन के लिए, लेकिन अगर यही आप कास्ट करेंगे बड़े स्क्रीन के ऊपर और अगर आप माउस ब्लूटूथ के थ्रू अटैच करेंगे तो आपको कम्प्लीटली फील आएगा एक विंडोज़ का। ये ब्राउज़र खुल गया दोस्तों, ये ऐप्स खुल गए, ये देखिए जैसे विंडोज़ में होते हैं वैसे ही हैं, ट्विटर, तो अलग अलग विंडोज़ खोल सकते हैं, म्यूज़िक, मूवीज़, सब फोल्डर्स आपको दिखा देगा। जैसे मैंने कहा ये नॉवेल्टी ऐप है, अगर बड़े स्क्रीन पे आप कास्ट करते होंगे बार बार और आपको विंडोज़ का फील चाहिए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना ये ऐप इतनी यूज़फुल नहीं है। सिर्फ लोगों को आप दिखा सकते हैं, यार देखो मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो अब विंडोज़ के जैसा दिखता है। जी हाँ, ये है हमारे 5 ऐप्स, नॉवेल्टी ऐप्स। कुछ अच्छे थे, कुछ आपको बुरे लगे होंगे, लेकिन वो जो पहले 3 ऐप्स हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चौथा ऐप ट्राई कीजिएगा अगर आपको पैसे बनाने हैं, और 5वां ऐप आप ट्राई कीजिएगा अगर आपको विंडोज़ आपके एंड्रॉयड के ऊपर चाहिए तो। दोस्तों हमने तो 5 ऐप्स आपके लिए लेके आ गए जो नए हैं, फ्रेश हैं, यूनिक हैं। क्या आपके पास ऐसे ऐप्स हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं ऐसे कुछ ऐप्स? अगर आपके पास हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शायद अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ उस ऐप को भी फीचर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वक्त तक के लिए